ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की फिल्म वॉर जब से रिलीज हुई है तभी से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड अपने नाम करती जा रही है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि वॉर ने शाहिद कपूर की फिल्म कबीर सिंह के डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। वहीं अब लीजिए ये फिल्म आमिर खान के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। जहाँ एक तरफ सलमान की बड़ी बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड्स तोड़ती जा रही है, वहीं अब वॉर ने आमिर खान के फिल्म धूम 3 के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पछाड़ दिया है। आपको बता दें कि आमिर खान की फिल्म धूम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ और 25 लाख रुपए की कमाई की थी। वहीं वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर 284 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की। इसका मतलब साफ है कि ऋतिक और टाइगर ने आमिर को बुरी तरह से हरा दिया है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी फिल्म वॉर यशराज फिल्म्स की तीसरी सबसे कमाऊ फिल्म बन चुकी है। यशराज फिल्म्स की लिस्ट में पहले नंबर पर सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है, जिसकी कमाई 339 करोड़ 16 लाख रुपए है। और दूसरे नंबर पर भी सलमान खान की ही फिल्म सुल्तान है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ 45 लाख रुपए की कमाई की है। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि लगातार बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई को देखते हुए ऋतिक और टाइगर की वॉर जल्द ही फिल्म पद्मावत सुल्तान और बजरंगी भाईजान जैसी कई फिल्मों को मात दे सकती है। इस साल ऋतिक की ये सुपर 30 के बाद दूसरी फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है। वॉर में ऋतिक और टाइगर के साथ वाणी कपूर भी लीड रोल में हैं। बात करें फिल्म के बजट की तो फिल्म का बजट लगभग 200 करोड़ रुपए है। साथ ही इस फिल्म को दुनिया भर में 5,350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि क्या वॉर बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाएगी या नहीं। वैसे आप किस पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहें हमारे साथ।